Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon हॉल. और स्पेशली मैंने Amazon से एक खूबसूरत सा लहंगा परचेज किया है. सो उसका जो ओरिजिनल पिक्चर है वो भी मैं दिखाऊंगी, वो कैसा है, क्या वो अच्छा है कि नहीं, वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ. सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिए. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो गाइस, ये जो मैंने लहंगा परचेज किया है इसका प्राइस जब मैं परचेज कर रही थी ना तब थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अब ये इस प्राइस पे अवेलेबल है. और आप लोग इसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं. इट्स ऑफ बॉटल ग्रीन कलर और ये एक्चुअली मेरे घर में जो अपकमिंग ओकेशन है उसके लिए ही स्पेशली मैंने परचेज किया है. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू माई सिस्टर. तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये है उसका जो लहंगा का पोर्शन है, ये है वो पोर्शन. और इसमें पिक्चर में जैसे ही दिखाया था वैसा ही है. इसका जो लहंगा का स्कर्ट है वो वैसा ही है. इसमें ब्लैक एंड लाइट ग्रीन कलर में यहाँ पर वर्क दिया गया है, वो थ्रेड वर्क है ब्लैक एंड लाइट ग्रीन कलर का. और बीच बीच में ना यहाँ पर कुछ चुमकी टाइप्स लगाया गया है जो, और यहाँ पर मिरर्स भी है नीचे के पोर्शन में. यू ऑल कैन सी यहाँ पर मिरर्स लगे हुए हैं. सो या ये काफी अच्छा है, लेकिन जैसे पिक्चर में दिख रहा था ना कि ये बहुत ही ज्यादा यू नो ग्लिटरी सा होगा, वैसा उतना ज्यादा ग्लिटरी सा नहीं है. बट आई एम डैम श्योर ये लाइट में काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा क्योंकि नीचे में ना बहुत ही ज्यादा मिरर वर्क किया गया है. सो ओवरऑल मुझे ये इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक लग रहा है. इसका जो लहंगा का स्कर्ट है, अगर मैं स्पेसिफिकली स्कर्ट की बात करूँ तो, और इसके अंदर कोई कैन नहीं दिया गया है ताकि जो घेर है वो ज्यादा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये नॉर्मल है. इसके अंदर एक लाइलिन टाइप्स है और इसका घेरा आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा है इसका घेरा. ये अगर मैं मेजर करके बताऊं तो इस तरह से वन हैंड एंड देन टू एंड ए हाफ, मेरे हाथ के टू एंड ए हाफ हैंड्स की इसका जो लेंथ है वो है कमर का. सो घेरा बहुत ही ज्यादा घेरा नहीं होगा, बट हाँ जितना चाहिए उतना होगा, मीडियम घेरा होगा, बहुत कम भी नहीं है. लेकिन अगर इसमें मैं कैन ऐड करती हूँ अलग से मार्केट से खरीद के तो शायद इसका घेरा बहुत ज्यादा होगा. बट कैन का जो प्राइस है अलग से खरीदने जाऊंगी तो इस लहंगा का प्राइस फिर और भी ज्यादा हो जाएगा. सो या ओवरऑल इट इज गुड. और इसका जो लाइलिन है अंदर का वो भी आप लोग देख सकते हैं, ये बॉटल ग्रीन कलर का है लाइलिन और इसमें लाइलिन भी दिया गया है विच इज ऑल्सो रियली गुड. और इसका जो मटेरियल है वो काफी सॉफ्ट लगा मुझे. इसके जो वर्क है ना यहाँ पर जो थ्रेड वर्क है, कई बार थ्रेड वर्क्स में ये डर लगता है कि चूड़ी जब हम लोग पहनेंगे या फिर इयररिंग्स चूड़ी इस सब में ना वो अगर स्टिक हो जाता है तो थ्रेड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है. इसका जो वर्क है, इसका जो फिनिशिंग है वो काफी अच्छे से की गई है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है इस लहंगे के बारे में. और इसके जो मिरर वर्क है ना स्पेशली नीचे के पोर्शन में वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. एंड ये एक्चुअली बॉटल ग्रीन कलर में मैंने लिया है स्पेसिफिकली, बट इसके और भी कई सारे कलर ऑप्शंस है, लाइक मरून है, मरून भी बहुत खूबसूरत लगेगा, लेकिन मुझे बॉटल ग्रीन या ग्रीन एनी शेड्स ऑफ ग्रीन चाहिए था. सो आई परचेज दिस वन. एंड इसका स्कर्ट मुझे अच्छा ही लगा और इस स्कर्ट का जो लेंथ है 5'4" हाइट अगर आपकी है तो आपके लिए थोड़ा सा लंबा रहेगा, बट हम लोग हील्स पहनते हैं तो वो काफी खूबसूरत दिखेगा आई थिंक. सो द लेंथ इज परफेक्ट. लेकिन अगर आप 5 feet की है या फिर 5'2" आपकी हाइट है तो शायद आपके लिए थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो आपको ना यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्टिच करना पड़ेगा ताकि इसका लेंथ एडजस्ट हो पाए. और अगर आप 5'6" हाइट के हैं तो शायद आपको हील पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको परफेक्ट फिट होगा, इसका जो लेंथ है वो परफेक्टली फिट होगा. सो ये रही स्कर्ट की बात. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लाउज पोर्शन. इसके साथ एक चुन्नी भी आया था, ब्लाउज भी आया था और एक लहंगा का स्कर्ट भी आया था. सो दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ लहंगा. सो इसका जो ब्लाउज है ना वो सेमी स्टिच आया था, तो मतलब लहंगा भी हमें स्टिच करना पड़ेगा, ब्लाउज भी स्टिच करना पड़ेगा अपनी बॉडी के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से. लेकिन इसके ब्लाउज में एक पर्टिकुलर डिजाइन दी गई थी जिस डिजाइन को फॉलो करके ही उसका कटिंग होगा. तो एज यू ऑल नो माई फादर नोज टेलरिंग, वो घर पे
यू नो शौक के साथ, उसका पैशन के साथ वो हमारे लिए ड्रेसेस वगैरह वो डिजाइन करते हैं खुद से ही, एंड खुद से ही उन्हें स्टिच करके बनाते भी हैं, एंड ही इज सो टैलेंटेड। सो ब्लाउज का पोर्शन ऑलरेडी मेरे पापा ने कट कर लिया है बनाने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें भी खूबसूरत सा मिरर वर्क की गई है। सो ब्लाउज भी काफी गॉर्जियस लगे मुझे, एंड इसे कट कर लिया है क्योंकि इसी शेप में ये आया था, इसका जो थ्रेड वर्क है, डिजाइन है, वो इसी शेप में था, तो इसी शेप में ही इसे कट किया है, इस शेप को फॉलो करके। ये है फ्रंट पोर्शन एक्चुअली, तो मैं जैसा था वैसा ही रख देती हूँ वरना मुझे डांट पड़ेगी फिर। सो या ये रहा उसका फ्रंट पोर्शन, एंड उसके साथ स्लीव्स भी आए थे। बट वन मोर थिंग कि ये जो ड्रेस है ना, इसके साथ लाइलिन चाहिए, जो लाइलिन हमें ब्लाउज पोर्शन में नहीं दिया गया था, तो हमने अलग से मार्केट से इस कलर का लाइलिन परचेज किया है, और फिर इस लाइलिन को हम अटैच करेंगे। लाइलिन ऑलरेडी इसके साथ अटैच्ड नहीं था, वो अलग से हमने परचेज किया है। इसका जो बैक पोर्शन है वो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है, ये इस तरह का है इसका बैक पोर्शन, ये एकदम प्लेन है, सिंपल डिजाइन है, बैक में कोई ऐसा थ्रेड वर्क भी नहीं है और कोई ग्लिटर या मिरर वर्क भी नहीं है। सो या आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। बट इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, होल जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे पूरा थ्रेड वर्क है, लेकिन बॉडी पे कोई वर्क नहीं है, बट इट्स ओके। बॉर्डर पे जो थ्रेड वर्क है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो इसका दुपट्टा भी काफी लेंथ में भी अच्छा है, विड्थ में भी अच्छा है, डिसेंट है। जितने भी प्रोडक्ट की परचेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब दो और प्रोडक्ट्स मैंने इसके साथ ही मंगाया था अमेजन से, सो मुझे लगा इस हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने पहली बार मिनीसो परफ्यूम्स ट्राई किया है, और ये है मिनीसो डैजल परफ्यूम, ये 100 ml का है, एंड इसका नाम है स्टार्स। यू ऑल कैन सी इट कम्स इन दिस कार्डबोर्ड ब्यूटिफुल स्लीक पैकेजिंग, जो व्हाइट कलर का एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, एंड यहाँ पर लिखा है मिनीसो, एंड ये है परफ्यूम। इसका जो पैकेजिंग है, इसका जो बॉटल है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा क्लासी लगा। द बॉटल इटसेल्फ लुक्स सो लग्जूरियस, और इसका जो परफ्यूम है ना, वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफी लाइट इसकी परफ्यूम है, बट इट स्मेल्स अमेजिंग। लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग बात है कि ये बिल्कुल भी लास्ट नहीं करता, एंड ये एक घंटा भी लास्ट नहीं करता, इसे रीअप्लाई आपको करना पड़ेगा। सो मुझे ये काफी डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इसके प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम इट। मुझे लगा था कि एटलीस्ट एक घंटा तो चलना चाहिए, लेकिन एक घंटे में भी इसका जो परफ्यूम है ना, वो चला जाता है, आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। और इसका जो परफ्यूम है वो काफी स्वीट काइंड ऑफ परफ्यूम है, मुझे इतना स्वीट परफ्यूम पसंद नहीं है, बट नेवर्थलेस ये मैंने अपने दीदी के लिए परचेज किया है, उसे स्वीट परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, एंड ये थोड़ा सा फ्रूटी सा स्वीट सा परफ्यूम है, बट स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स अ गुड पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि इतना स्वीट परफ्यूम अगर स्ट्रॉन्ग होता तो उतना अच्छा नहीं होता, फिर हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मैंने अपने पापा के लिए भी कुछ परचेज किया है, ये है जॉकी के, और इसमें मुझे 4 परचेज करना पड़ा, क्योंकि मिनिमम परचेज हम लोग 4 ही कर सकते थे, एक नहीं कर सकते थे, बट नेवर्थलेस ये सब तो इस्तेमाल डेली बेसिस पर करते ही हैं। सो इसका जो मटेरियल है वो भी मुझे काफी सॉफ्ट लगा, काफी वेयरेबल मटेरियल है, ब्रीदेबल मटेरियल है, सो आई थिंक ये तो यूटिलाइज हो ही जाएगा, 4 लू या 6 डेली बेसिस पर ये सब जरूरत पड़ती ही है। सो या दैट इज द लास्ट परचेज I made from Amazon, और सारे links description box पर हैं, आप description box को check कर सकते हैं। That's it for today's video. Video पसंद आए तो video को like कीजिए, share कीजिए, और मेरे channel को जरूर subscribe कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, stay blessed, stay happy, bye.